हाय एवरीवन, माय नेम इज उषा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ IKEA हॉल किचन आइटम्स का। मैं रिसेंटली नहीं गई थी IKEA बिकॉज अभी तो क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन या, बट 3 बार मैं गई हूँ IKEA एंड 3 बार में मैंने जितना भी परचेस किया है वो मैं इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ। इन प्रोडक्ट्स को मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट्स को 2018 से यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैं प्राइस भी मैंशन करूँगी, अभी तो मुझे याद नहीं है किस प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है, बट मैं वेबसाइट से लेके मेंशन करूंगी। प्रोडक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी इन केस इफ यू वांट टू गो थ्रू द प्रोडक्ट डिटेल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट परचेज जो है दिस ब्यूटीफुल लाइट ग्रीन कलर कप्स। Actually these cups are very very special because I brought this on my birthday in 2018 and मैंने अभी तक बचा के रखा है। Second जो है ये ऑफ वाइट कॉफ़ी और चाय कप विथ सॉसर। ऐसे कप ना चाय और टी के टेस्ट बढ़ा देते हैं। Next प्रोडक्ट जो है ये ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। Actually they have a common sense क्योंकि उन्होंने नीचे IKEA का लेबल नहीं लिखा है जैसे बाकी प्रोडक्ट्स में लिखते हैं। अभी समर है तो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे इसे यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये ब्यूटीफुल वाइट कलर पाई डिश। ये अवन फ्रेंडली है एंड स्टीम भी कर सकते हैं। ये परफेक्ट है फॉर मेकिंग कैरामल पुडिंग और बंगाली स्वीट कॉल्ड भापा दोही और स्टीम दोही। नेक्स्ट जो है ये ब्यूटीफुल प्लेट्स। मैंने ट्राई किया है बेसिक कलर्स लेने का एक्सेप्ट दिस ब्यूटीफुल फ्लोरल प्लेट। एक्चुअली ये प्लेट बहुत फेमस है, मैंने यूट्यूब में बहुत देखा है इसे। दिस इज अगेन डेप्थ प्लेट और ये जो प्लेट है ये मेरा फेवरेट प्लेट है बिकॉज ऑफ द कलर, थोड़ा अनयूजुअल कलर है ब्लैक। नेक्स्ट प्लेट जो है ये बेसिक वाइट कलर प्लेट। ये है वाइट कलर का बाउल। ये परफेक्ट है ओट्स या सीरियल्स खाने के लिए और मेरी तरह आप सांभर भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये स्टेनलेस स्टील का इंसर्ट। इसके साथ में दिया गया ये हुक इसको हैंडल करने के लिए। एक्चुअली ये सुपर सुपर फंक्शनल एंड स्मार्ट प्रोडक्ट है। ये 3 लीटर के पॉट में भी आ गया देख सकते हैं और 2 लीटर के प्रेशर कुकर में भी आ गया। दिस इज मस्ट ट्राई प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये सेट ऑफ स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉस डिफरेंट कलर में है। साथ में दिया गया है ये क्लीनिंग ब्रश। आई थिंक दिस इज अगेन मस्ट ट्राई प्रोडक्ट। वी आर ऑल ट्राइंग टू रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम आवर लाइफ। नेक्स्ट जो है ये 2 नाइफ। एक्चुअली मैं कंफ्यूज होकर ये 2 नाइफ खरीद ली, बट मुझे लगा कि पूरा मनी वेस्ट है, बट जैसे जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। तो सबसे पहला नाइफ जो है ये ब्रेड नाइफ है। इनफैक्ट आप इससे सॉफ्ट वेजिटेबल्स भी कट कर सकते हैं लाइक टमाटोस। नेक्स्ट जो नाइफ है ये है चाइनीज नाइफ। थोड़ा हैवी है पर ग्रिप अच्छा है। इससे आप फाइन चॉपिंग कर सकते हैं लाइक यहाँ पे मैं करेले को चॉप कर रही हूँ, कैबेज को मैं चॉप कर रही हूँ। फाइन चॉपिंग जो है काफ़ी इजी हो जाता है। कुकिंग ट्वीज़र ये मैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। पास्ता सर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टिक्का बना रहे हैं कुछ या फिर कुछ स्नैक्स बना रहे हैं उसे टर्न करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये बिग डीप बाउल, ये परफेक्ट है लार्ज क्वांटिटी में। अगर आटा गूँथना चाहते हैं या फिर केक का बैटर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं वेजिटेबल क्लीन करने के लिए भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो है ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये है स्टेनलेस स्टील का सॉटे पैन विद स्टील हैंडल एंड लिड। एंड ये पूरा स्टील का इसलिए ये अवन फ्रेंडली भी है। लिड में यहाँ पे स्टीम वेंट दिया गया है ताकि कुक करते समय प्रेशर बिल्डअप ना हो और ओवर कुक ना हो फूड। यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले, इवन मैं पास्ता बनाने के लिए भी यूज़ करती हूँ। बॉटम जो है इसका हैवी है तो इस वजह से जो है फूड बर्निंग या फूड स्टिकिंग का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो जो कोई ये नॉन स्टिक से स्टील में शिफ्ट होना चाहता है तो ये परफेक्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो है ये सॉस पैन। अगेन ये स्टील हैंडल है एंड स्टील का लिड है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 लीटर का है। इसमें भी स्टीम वेंट दिया गया है एंड इसका लिड जो है ना वो इजी टू क्लीन है, मतलब कुछ भी फूड स्टक हो जाता है कुकिंग करते समय वो इजीली क्लीन हो जाता है। इसमें मैं चॉकलेट गनाश बना रही हूँ, मिल्क बॉयल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी स्टेनलेस स्टील का पॉट विथ लिड, इसको दोनों साइड में हैंडल्स दिया गया है। इसकी कैपेसिटी जो है 3 लीटर का है। इसमें भी स्टीम वेंट दिया गया है परफेक्ट राइस बनाने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा। एक क्विक टिप कि IKEA में शॉप करना जो है थोड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है और थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। इस बेटर कि आप जाने से पहले एक लिस्ट बना लें आपको क्या क्या चाहिए, उनकी वेबसाइट में जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट को एंड साथ में ये भी देख सकते हैं कि क्या नया है, तो इससे आपको थोड़ा हेल्प होगा आपको क्या ख़रीदना है। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं जो ख़रीदने जाती हूँ वो नहीं खरीदती एंड उसके अलावा मैं कुछ और ही उठा के लेके आ जाती हूँ। एंड अगेन आप बजट में भी रह सकते हो जो आपने डिसाइड किया है। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।